हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर द कैप्चरिंग ऑफ द आयरन मैन। सो दिस इज पार्ट वन। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एंड प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर के जो राइटर है वो है टेड ह्यूज। Ted Hughes was an Englishman who is often considered among the greatest poets and writers of his time. तो Ted Hughes जो थे वो एक Englishman थे जिन्हें उनके time के greatest poets और writers में शामिल किया जाता था। His work includes poetry, translations, non-fiction and children's book. और उन्होंने जो जो काम किए हैं उनके कामों में क्या क्या included है, poetry, उन्होंने poetries लिखी हैं, translations किए हैं, non-fictions and उन्होंने children's के लिए भी books लिखी हैं। The Hawk in the Rain and the Iron Man are among his popular works. तो The Hawk in the Rain और The Iron Man उनके popular works हैं। तो चलिए chapter को start करते हैं। The Capturing of the Iron Man. One evening, a little boy called Hogarth was fishing in a stream that ran down to the sea. तो एक शाम की बात है, एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम होगाथ था वो फिशिंग कर रहा था एक स्ट्रीम में और वो स्ट्रीम एक समुद्र में जाकर मिलती थी। Suddenly he felt he was being watched. तभी अचानक से उसे ऐसा फील हुआ कि उसे कोई देख रहा है। He turned and looked at the top of the high cliff. He saw in the dusk two green lights. क्लिफ मीन्स चट्टान। बहुत बड़ा बड़ा जो पत्थर होता है, बहुत बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं उन्हें चट्टान कहते हैं, मीन्स क्लिफ कहते हैं। एंड डस्क मीन्स लेट इवनिंग, मतलब शाम का जो वक्त होता है, सनसेट के बाद का जो वक्त होता है उसे डस्क कहते हैं। तो जैसे ही उसे फील हुआ कि कोई उसे देख रहा है तो वो मुड़ता है और वो एकदम हाई क्लिफ पर, मतलब ऊंचाई पर जो चट्टान होता है उसे, वहां जब उसकी नजर जाती है तो वो क्या देखता है कि टू ग्रीन लाइट्स, दो ग्रीन लाइट्स है। मतलब डस्क का टाइम था, शाम का समय था, कुछ क्लियरली विजन था नहीं उसका, तो उसे बस इतना ही दिखता है कि दो ग्रीन लाइट्स वहां पर हैं। Then as Hogarth watched, a huge dark figure climbed up over the cliff top. उसके बाद जब वो अच्छे से नोटिस करता है तो वो क्या देखता है कि एक बहुत ही ह्यूज, मतलब बहुत बड़ा डार्क फिगर, ब्लैक कलर का फिगर है जो कि क्लाइंब करके चट्टान के ऊपर जाता है। द टू लाइट्स रोज इन टू द स्काई, और जो वो दो ग्रीन लाइट्स उसे दिख रही थी अब वो ऐसा लग रहा है कि वो दो ग्रीन लाइट्स आसमान में चमक रही हैं। अ जायंट ब्लैक फिगर टॉलर देन अ हाउस विद ग्रीन हेड लैम्प आईज, और वो जो ब्लैक फिगर था वो बहुत ही जायंट था, मतलब बहुत बड़ा था, वो इतना ज्यादा टॉल था, मतलब दैट वॉज टॉलर देन अ हाउस, वो एक हाउस से भी ज्यादा टॉल था, और उसकी जो दो ग्रीन लाइट्स थी वो हेड लैम्प लग रही थी, मतलब विद ग्रीन हेड लैम्प आईज, उसकी जो आईज थी वो हेड लैम्प की तरह लग रही थी। द आयरन मैन हैड कम बैक, और उसके बाद वो बच्चा जो है वो ये समझता है कि जो आयरन मैन है वो वापस आ गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल द फार्मर्स वर शाउटिंग विद एंगर, वेयर वर देयर ट्रैक्टर्स, देयर अर्थ डिगर्स, देयर प्लाउज, देयर हैरोज, हु हैड स्टोलन इट ऑल। हैरोज मींस फार्मिंग इक्विपमेंट व्हिच हैव स्पाइक्स और टीथ एंड आर ड्रैग्ड ओवर प्लाउड लैंड to loosen the soil, remove weeds and cover seeds. तो हैरोज जो है वो एक तरह का फार्मिंग इक्विपमेंट होता है जिसमें स्पाइक्स या टीथ जैसी कंस्ट्रक्शन होती है, और उसे ड्रैग किया जाता है प्लाउड लैंड पे सॉइल को लूजन करने के लिए, मिट्टी को लूज करने के लिए, वीड्स को रिमूव करने के लिए और सीड्स को कवर करने के लिए। तो ये भी जितने इक्विपमेंट्स हैं, ट्रैक्टर्स, अर्थ डिगर्स, प्लाउज एंड हैरोज, ये सभी फार्मिंग इक्विपमेंट्स हैं। तो दूसरे दिन सुबह में जितने भी फार्मर्स होते हैं वो सभी गुस्से से चिल्ला रहे होते हैं। वो इसलिए चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि उनके जो ट्रैक्टर्स थे, अर्थ डिगर्स थे, प्लाउज थे, हैरोस थे, वो सभी मिसिंग होते हैं, वो सब गायब होते हैं, इसलिए वो लोग गुस्से में चिल्ला रहे थे कि आखिर किसने इन सब चीजों को चुरा लिया। देयर वॉज अ क्ल्यू फ्रॉम फार्म टू फार्म ओवर द सॉफ्ट सॉइल ऑफ द फील्ड्स वेंट जायंट फुटप्रिंट्स ईच वन द साइज ऑफ अ सिंगल बेट। तो ये सभी चीजें जो मिसिंग थी, इनके मिसिंग होने के पीछे क्ल्यू था। वो क्ल्यू ये था कि जितने भी फार्म थे, जितने भी खेत थे, उन खेतों की जो सॉफ्ट मिट्टी होती है, उन खेतों की जो सॉफ्ट मिट्टी होती है, जो फील्ड होता है, उस फील्ड पर बहुत ही बड़े बड़े फुटप्रिंट्स यानी कि कदमों के निशान थे, और एक कदम का जो साइज था वो एक सिंगल बेट के इतना था। एंड एट एवरी फार्म द फुटप्रिंट्स विजिटेड ऑल द मेटल मशीनरी हैड डिसअपीयर्ड, और जितने भी फार्म पे, जितने भी खेतों में ये जो जायंट फुटप्रिंट्स पाए गए उन सभी
फार्म से जितने भी मेटल मशीनरी थी वो सभी गायब थी. दे कुडंट कॉल इन द पुलिस और द आर्मी बिकॉज नोबडी वुड बिलीव देम अबाउट दिस आयरन मॉन्स्टर. तो जो फार्मर्स थे वो इन सभी चीजों के बारे में ना तो पुलिस को बता सके ना ही आर्मी को बता सके, क्योंकि उन्हें ये पता था कि कोई भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा, कोई भी ये नहीं मानेगा कि आयरन मॉन्स्टर ने इन सभी चीजों को गायब किया है. सो व्हाट डिड दे डू, तो उन लोगों ने क्या किया. एट द बॉटम ऑफ द हिल ऑन टॉप ऑफ विच द आयरन मैन हैड बीन सीन दे डग अ डीप इनॉर्मस होल. इनॉर्मस मीन्स वेरी लार्ज, बहुत बड़ा. तो उन लोगों ने क्या किया, फार्मर्स ने उस हिल के बॉटम में, जिस हिल के टॉप पे आयरन मैन को लास्ट बार देखा गया था, उसके बॉटम में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा खोदा, और बहुत ही डीप गड्ढा खोदा, मतलब बहुत ही ज्यादा डीप. अ होल वाइडर देन अ हाउस एंड एज डीप एज थ्री ट्रीज वन ऑन टॉप ऑफ द अदर. और वो जो गड्ढा था वो इतना ज्यादा डीप था और वो बहुत ज्यादा वाइड भी था. वो इतना ज्यादा वाइड था मतलब एक हाउस जितना वाइड होता है उससे भी ज्यादा वाइड था, और इतना ज्यादा डीप था कि उसमें तीन ट्रीज एक के ऊपर एक करके आराम से डाले जा सकते थे. दे कवर्ड द होल विद ब्रांचेस एंड द ब्रांचेस दे कवर्ड विद स्ट्रॉ एंड द स्ट्रॉ विद सॉइल. सो व्हेन दे फिनिश्ड द होल लुक्ड लाइक अ फ्रेशली प्लाउड फील्ड. और उस होल को उन्होंने किस तरह से कवर अप किया, सबसे पहले उस पे ब्रांचेस से उसे कवर किया, फिर ब्रांचेस को स्ट्रॉ से कवर किया, फिर स्ट्रॉ को सॉइल से कवर किया. इस तरह से उन्होंने पूरी तरह से जो होल को अच्छी तरह से कवर अप कर दिया. और लास्टली वो जो होल था वो कवर अप होने के बाद ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर अभी फ्रेशली खेती की गई है. ऑन वन साइड ऑफ द होल दे पुट एन ओल्ड रस्टी लॉरी. रस्टी मीन्स समथिंग मेड ऑफ आयरन दैट इज कवर्ड इन अ रेडिश ब्राउन कोटिंग. कोई ऐसी चीज जो कि आयरन की बनी होती है, लोहे की बनी होती है, और उसपे एक रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग होती है. मीन्स जब किसी लोहे की चीज में जब जंग लग जाता है तो उसे रस्ट कहते हैं. तो वो जो होल उन फार्मर्स ने बनाया था, तो उस होल को कवर अप करने के बाद उसके एक साइड पर उन्होंने एक रस्टी लॉरी रख दी. इसे लॉरी कहते हैं. दैट वॉज द बैट. बैट मीन्स फूड और अदर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन अ ट्रैप इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट प्रे. कोई फूड या फिर कोई ऑब्जेक्ट किसी शिकार को अट्रैक्ट करने के लिए जो रखा जाता है, एक तरह का जो जाल बिछाया जाता है, उसे बैट कहते हैं. द आयरन मैन वुड सी द ओल्ड लॉरी विच वॉज पेंटेड रेड एंड ही वुड कम डाउन टू ईट इट. उन्होंने वो रेड रस्टी लॉरी इसलिए रखी थी सो दैट उनका ऐसा सोच था कि जब आयरन मैन उस रेड रस्टी लॉरी को देखेगा तो वो नीचे आएगा उसे खाने के लिए, और जब वो आएगा तो वो इस होल में गिर जाएगा और हम लोग उसे पकड़ लेंगे. He would crash into the hole and would never get out. वो इस होल में गिर जाएगा और वहां से कभी वापस बाहर नहीं निकल पाएगा. Then they would bring the few bulldozers and earth movers that he hadn't already eaten and they would bury him forever in the hole. Bulldozer means large tractor like vehicles with a large metal blade in the front which are used to push earth and stones away as well as to flatten the ground. बड़े बड़े जो tractors होते हैं, जो बड़े बड़े tractors के जैसे vehicles होते हैं जिसमें metal के blade लगे हुए थे सामने में, और जिन्हें जमीन को पुश करने और स्टोन्स को पुश करने या फिर ग्राउंड को फ्लैटन करने में यूज किया जाता है, उसे बुलडोजर्स कहते हैं. एंड अर्थ मूवर्स, अर्थ मूवर्स मीन्स मशीन्स डिजाइन टू डिग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सॉइल. तो अर्थ मूवर्स जो है वो वैसी मशीन्स को कहते हैं जिन्हें लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉइल को डिग करने के लिए यूज किया जाता है. तो फार्मर्स जो है वो इस प्लानिंग में थे कि जब आयरन मैन उस होल में गिर जाएगा तो वो लोग बुलडोजर्स लाएंगे, अर्थ मूवर्स लाएंगे, वैसे जो कि अभी तक गायब नहीं हुए हैं, क्योंकि कुछ मशीनरी ऐसी थी जो गायब नहीं हुई थी. तो वो कुछ बुलडोजर्स लाएंगे, कुछ अर्थ मूवर्स लाएंगे, और उसके बाद आयरन मैन को हमेशा हमेशा के लिए उस होल में बरी कर देंगे, मींस दफन कर देंगे. दे वर सर्टेन नाउ दैट दे वुड गेट हिम. और फार्मर्स जो है वो एकदम बिल्कुल निश्चित हो गए थे कि आप तो वो लोग आयरन मैन को पकड़ ही लेंगे. द नेक्स्ट मॉर्निंग इन ग्रेट एक्साइटमेंट ऑल द फार्मर्स गैदर्ड टुगेदर टू एग्जामिन देयर ट्रैप. और दूसरे दिन जितने भी फार्मर्स थे वो सब एक साथ इकट्ठा होकर बहुत ही एक्साइटमेंट में आते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि जो उन्होंने जाल बिछाया था आयरन मैन को पकड़ने के लिए, तो क्या वो कामयाब हुआ है कि नहीं, आयरन मैन को उन्होंने पकड़ लिया है या नहीं. दे केम क्लोजर केयरफुली एक्सपेक्टिंग टू सी द आयरन मैन्स हैंड स्टीयरिंग एट द एज ऑफ द पिट. और वो लोग काफी केयरफुली, काफी ध्यान से उस होल के नजदीक जाते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके अंदर तो आयरन मैन फंसा हुआ होगा और अब हम लोग उसको हमेशा हमेशा के लिए इसमें दफन कर देंगे. सो दैट्स ऑल
होप आपको यहाँ तक चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपका भी कुछ डाउट्स है देन गो थ्रू द वीडियो वन मोर टाइम। रेस्ट ऑफ द स्टोरी आई विल अपलोड इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन बाय।